दोस्तों फाइनली जवान मूवी का ट्रेलर आ चुका है आप सब लोगों ने अभी तक देख लिया होगा आई एम श्योर और शाहरुख खान ने काफी ज्यादा वेट कराया हम सब फैंस को तो जैसे मैंने ट्रेलर को देखा जैसी ट्रेलर आया मैंने फटाफट से उसे वॉच कर लिया और वॉच करने के बाद मुझे क्या समझ में आया मैं आपको बताती हूँ ये कुछ नया दिखा मुझे बॉलीवुड फिल्म के जो ट्रेलर आते हैं ना मोस्ट ऑफ द ट्रेलर्स आपने सबने देखे होंगे उनमें आपको मैक्स स्टोरी क्लियर हो जाती है कि इसमें ये होगा इसमें हीरो है इसमें हीरोइन है जो भी चीजें हैं वो सब क्लियर हो बट इस मूवी के ट्रेलर में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होता काफी ज्यादा सस्पेंस बना के रखा है शाहरुख ने और काफी सारे कैरेक्टर्स दिखे मुझे इस ट्रेलर में कि उन्होंने निभाए हैं अब क्या वो कैरेक्टर होंगे किस तरीके से इस मूवी में कनेक्ट होंगे वो उसको तो देखने के लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं लेकिन ट्रेलर बहुत ज्यादा धासु बनाया है इस बार और मैं तो ये कहूंगी गाइज ये बहुत बड़ा कम होगा शाहरुख का क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं अपनी पठान का ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रेलर को देखते हुए इस ट्रेलर के एक के एक मोमेंट अंदर आपने देखा होगा कि शाहरुख हंसते हंसते खांसने लगते हैं और इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हैं और इसको देख के ना बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे वो हम लोगों में से ही एक पर्सन है आम इंसान है और काफी कनेक्ट कर पाई मैं उस सीन के साथ उनको खुद के साथ और गाइज इस ट्रेलर में मैंने देखा इतने सारे कैरेक्टर शाहरुख ने इस रोल में इस फिल्म में इस ट्रेलर में दिखाए हैं प्ले करते हुए एक तरफ वो जवान बने हैं एक तरफ वो कॉमेडी भी कर रहे हैं एक तरफ वो गुंडे बन के दिखा रहे हैं विलन का कैरेक्टर प्ले किया है नेगेटिव रोल में आए हैं और दूसरी तरफ वो बहुत सारी शेड्स उनकी दिख रही हैं वर्ल्ड लुक में भी दिखाई दे रहे हैं शाहरुख खान तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वो इस फिल्म में क्या दिखाना चाह रहे हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस विजय सेतुपा जो कि साउथ में काफी ज्यादा फेमस है विलन के रोल्स में आपने बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा उनकी झलक भी देखने को मिली और जिस तरीके से उनको दिखाया गया है दोनों को काफी अच्छी खासी टक्कर होने वाली है इन दोनों के बीच वो वेपन डीलर के रूप में आए हैं इस रोल में और बहुत मजा आने वाला है गाइज मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही सेवन सेप्टेम्बर कब आएगी और कब मैं इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी तो हिसाब से एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं यूएस में तो मैं मेरा ये मानना है कि जब इंडिया में इसकी बुकिंग ओपन होगी तो कुछ दिन तो ये हाउसफुल ही रहने वाली है चाहे वो किसी भी पीवीआर किसी भी थिएटर में लगे तो गाइज इसके कलेक्शन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका होगा मिनिमम मिनिमम बोल रही हूं मैं सेवन करोड़ इन इंडिया ओनली अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 1500 करोड़ तो ये आसानी से कमा लेगी जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया गया है उस हिसाब से तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई साहब ऐसा ट्रेलर मैंने अभी तक नहीं देखा शाहरुख की फैन में थी अब मैं सुपर फैन हो जाऊंगी इस ट्रेलर को देखने के बाद तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो अगर इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस कमाई का जिसके के 100 प्रतिशत शत प्रतिशत चांसेस है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है कमाई के मामले में तो आप ये सोचिए आने वाले टाइम में क्रिसमस पे शाहरुख की नेक्स्ट मूवी जो आएगी डंकी जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज सुन ली होंगी अभी तक जो राजकुमार हिरानी बना रहे हैं जिन्होंने मुन्ना भाई बनाई थी पीके बनाई थी तो आप सोचिए उस मूवी के क्या खतरनाक रिकॉर्ड होंगे तो मैं तो इस साल के एंड तक वेट नहीं कर सकती पहले मुझे जवान देखनी है हर हाल में उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कमाई करने वाली है पहले शो में ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि पहला शो इनका हाउसफुल जाने पहला शो कुछ दिन हाउसफुल ही रहने वाली है ये मूवी और भाई साहब एक बात आपको मैं और बता दूं ऐसे ही किंग खान को किंग खान नहीं बोलते बॉलीवुड का किंग बोला जाता है तो ऐसे ही नहीं बोलते इस मूवी की कलेक्शन देखने के बाद आप सब ये चीज मान जाओगे कि उनसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में तो क्या हॉलीवुड में भी नहीं है और सबसे बड़ी बात हमारे बॉलीवुड की जो मूवीज है ना मैक्स जो हमारी मूवीज की जो बजट होता है वो कितने का होता है इस इस मूवी का बजट मैं आपको बताऊं थर्टी मिलियन डॉलर है अगर मैं हॉलीवुड के बजट की बात करूं तो वहां पे मिनिमम 200 मिलियन डॉलर्स बजट होता है मूवीज का अगर 30 मिलियन बजट की मूवी 200 हंड्रेड मिलियंस डॉलर कमा लेगी तो सोचिए कितना बड़ा कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है तो सुपरस्टार तो है ही शाहरुख और ये चीज तो हम सब मानते हैं अब उनकी ये मूवी सबको साबित कर देगी कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं है और दोस्तों इस मूवी के बारे में एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी है जिस जो सिर्फ ना कि हिंदी भाषा में बल्कि साउथ की चार बड़ी भाषाएं तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नडा में भी बनाई जा रही है और इसमें साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसके हिसाब से आप यहीं से अकॉर्डिंग हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कलेक्शन इस मूवी का होने वाला है साउथ के सुपर को वहां के लोग वहां के फैंस पूजते हैं मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बताई भी थी कि साउथ के स्टार्स की कि उनके फैंस की नजरों में क्या वैल्यू होती है तो उनका इस मूवी में होना और हमारे किंग स्टार का होना हमारे किंग खान का होना इन सब चीजों को मिला के अगर मैं एक बात तो दो 2000 करोड़ भी अगर कमाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होने वाली आप लोग रेडी रहिए इस मूवी के सारे रिकॉर्ड को देखने के लिए 1500 करोड़ तो मैं आपको बता ही रही हूं 2000 करोड़ भी कमाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो एस ऑल द बेस्ट तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना ट्रेलर का रिव्यू शेयर किया है जो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको पसंद नहीं आया हो आप मुझे कॉमेंट करिए अपनी राय बताइए मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगी और मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय